हेलो गाइस, सबका स्वागत है आपके अपने मिस्टर टेक्निकल प्रो चैनल पर। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपके पोजो लॉन्चर में किसी भी वर्जन को प्ले करने पर कुछ इस तरह का ये एरर आ रहा है तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। और हाँ गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, इस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको पोजब लॉन्चर का ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना होगा, उसी में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। यदि आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड किए हो पोजब लॉन्चर को, तो भाई ये प्रॉब्लम आपको जरूर से देखने को मिलेगी। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि आपको पोजब लॉन्चर का ओल्ड वर्जन कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट्स में जाना है, ठीक है? कमेंट्स में जाना है, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और उस वेबसाइट पर आपको पहुंच जाना है। तो यहां पर मैं उसी वेबसाइट के लिंक को यहां पर पेस्ट कर देता हूं, या डायरेक्टली यहां पर मैं नाम सर्च कर देता हूं और सर्च करके मैं उसी वेबसाइट पर चला जाता हूं। तो यहां पर मैं आ चुका हूं, और इसके बाद यहां पर आने के बाद आपको यहां पर ऊपर की साइड थोड़ा स्क्रॉल करना है, तो यहां पर आपको एक पोस्ट दिखाई देगा जो कि यहां पर ये वाला है, फिक्स माइनक्राफ्ट फेल टू कनेक्ट टू द सर्वर, ठीक है? तो ये वाला जो पोस्ट है, इसी को आपको ओपन करना है। यदि आपको ये यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको लिखना है फिक्स माइनक्राफ्ट, आपको इतना लिखना है फिक्स माइनक्राफ्ट, और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जाएगा ये पोस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर गाइस, आपको इसी पोस्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइस, मैं इसी पोस्ट पर क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद इस ऐड को आपको क्लोज कर देना है, और यहाँ पर आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करते जाना है और सबसे लास्ट में आपको पहुँच जाना है। तो यहाँ पर मैं सबसे लास्ट में पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पोजब लॉन्चर ओल्ड डाउनलोड, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो डाउनलोड ये वाला है यहाँ पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर जैसे क्लिक करते हो तो इसके नेक्स्ट पेज पर आप आ जाओगे। यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है फिर से यहाँ पर, ठीक है? तो गाइस, जैसे ही आप यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको कुछ सेकंड तक वेट कर लेना है। तो यहां पर हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, और उसके बाद यहां पर क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये आ चुका है, तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप कर सकते हो पोजब लॉन्चर के ओल्ड वर्जन को। तो यहाँ पर गाइस, अब आपको करने का है कि आपको यहाँ पर पोजब लॉन्चर को डिलीट कर देना है, जो कि लेटेस्ट वर्जन वाला है, तो आपको इसे डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के बाद अब आपको जो डाउनलोड किया है अपने ओल्ड वर्जन वाला पोजब लॉन्चर, तो आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं उसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है, और इसके बाद यहाँ पर आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइस, आप देखना है यहाँ पर जो प्रॉब्लम है हमारी, ये फिक्स हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करके यहाँ पर मैं लैंग्वेज चूज कर लेता हूँ एफ्रीकांस, और इसके बाद यहाँ पर गाइस मैं यूजर नेम लिख देता हूँ, और एफ्रीकांस से मैं जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो भाई इंग्लिश सेलेक्ट हो जाती है, और इंग्लिश को सेलेक्ट करता हूँ तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज आ जाती है, पता नहीं क्या ही ग्लिच चल रहा है इस पोजब लॉन्चर में। तो यहाँ पर मैं फटाफट लिख देता हूँ यूजर नेम, और यहाँ पर मार्क करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये 1.7.10 वर्जन है, तो इसी को मैं प्ले कर लेता हूँ, और जैसे ही प्ले पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और आप यहाँ पर किसी भी वर्जन को प्ले करोगे तो भाई मतलब आपको वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से गाइस, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस, मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में।